सुल्तानगंज से लेकर और आपको भोलेनाथ कैलाशपति महादेव की जल जहां आपको चढ़ाया जाता है वहां तक की व्यवस्था सुदृढ़ की गई है ताकि किसी प्रकार की किसी कंवरिया को किसी संकट में यदि आ जाता है तो सब ऐप के माध्यम से उसका सहयोग प्रशासनिक स्तर से लेकर हमारे स्तर तक भी किया जाएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ। और आपको बता दें कि कल से श्रावणी मेला स्टार्ट हो रहा है। श्रावणी मेला को लेकर पर्यटन विभाग के जो मंत्री हैं वो श्रावणी मेला एक ऐप आज लॉन्च किए हैं, जिस ऐप को आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी कंवरिया जो जाएंगे जल लेने उस ऐप से वो तमाम सुविधा ले सकते हैं। और क्या कुछ कर रहे पर्यटन विभाग के मंत्री, आप देखिए इस वीडियो में। प्रत्येक जिला, जैसे भागलपुर में अंश पड़ता है, कुछ मुंगेर में पड़ता है, कुछ बांका में पड़ता है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐप को निर्माण किया गया कि किसी भी जिला में कोई व्यक्ति कंवरिया हमारा जाता है, वहाँ उसको दिक्कत है तो सीधे उस ऐप के माध्यम से वहाँ के जिला के प्रशासन के साथ ही जुड़ सकता है। दूसरी चीज़ स्वास्थ्य के मामले में भी हर जगह हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने मंगल पांडे ने व्यवस्था किया है कि यदि उस तरह की बात है तो उसका भी ऐप में जिक्र किया गया है। मेडिकलों आपदा स्थिति में प्रशासन के सहयोग लेने के लिए भी किया गया है, यानी संपूर्ण व्यवस्थाएं हमारे पर्यटन विभाग के माध्यम से सुल्तानगंज से लेकर और आपको भोलेनाथ कैलाशपति महादेव की जल जहां आपको चढ़ाया जाता है वहां तक की व्यवस्था सुदृढ़ की गई है ताकि किसी प्रकार की किसी कंवरिया को किसी संकट में यदि आ जाता है तो सब ऐप के माध्यम से उसका सहयोग प्रशासनिक स्तर से लेकर हमारे स्तर तक भी किया जाएगा। और उन्होंने इस चीज़ का जिक्र भी किया है कि हर स्टॉपेज पर हमारी धर्मशालाएँ हैं, हमारी सुविधाएँ हैं, नल जल की व्यवस्था है, हमारा धर्मशाला है, उस धर्मशाला में भी टिकने के लिए रहने के लिए लोगों की कोई प्रकार की किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। ने जितने भी कांवड़िया श्रद्धालुगण आए हैं उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा है। सर प्रथम पहुंचेंगे कैसे, बाबा धाम कैसे पहुंचेंगे इसकी जानकारी है, रेल या अन्य माध्यम, वायु मार्ग? उसके बाद एक बार जब सुल्तानगंज जाए तो उसके बाद रूट पे क्या क्या उनको सुविधाएं मिलेंगी इसकी जानकारी इस ऐप में दी है। उन सुविधाओं में सबसे पहले आवासन सुविधा की जानकारी है, जो पर्यटन विभाग द्वारा रेन शेल्टर्स बनाए गए हैं, वे साइड एमिनिटीज बनाई गई हैं, कैफेटेरिया बनाए गए, तो पूरे कांवड़िया सर्किट पे कहाँ कहाँ वो उपलब्ध हैं, ये उनका जो भी GPS लोकेशन है उसके साथ उनको अवेलेबल होगा, पूरे कांवड़िया परिपथ का GPS लोकेशन के साथ इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं वो उनको दिख सकती है। फिर जब रास्ते में रुकेंगे तो उनको शौचालय की ज़रूरत पड़ेगी, स्नानागार की ज़रूरत पड़ेगी, तो नियरेस्ट शौचालय कहाँ पे है उसका भी ऑल्टीट्यूड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ में हम लोगों ने उपलब्ध कराया हुआ है। पेयजल सुविधाएँ कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं ये भी वो देख सकते हैं। फिर अगर रुकेंगे तो स्वास्थ्य का इशू आ सकता है, साफ़ सफाई का इशू आ सकता है, तो ये कहाँ कहाँ शिविर हैं, पुलिस शिविर कहाँ है, स्वास्थ्य शिविर कहाँ है, वहाँ का प्रभारी पदाधिकारी कहाँ है, कौन है, उनका क्या नंबर है, ये सब भी इस ऐप से आप देख सकते हैं। फिर अगर किसी को कोई शिकायत है और प्रशासन तक वो पहुँचना चाहता है तो उसके लिए भी शिकायत केंद्र करके हम लोगों ने इसमें एक लिंक दिया है, और जैसे ही वो शिकायत अपनी डालेगा वो संबंधित पदाधिकारी के लॉगिन में चला जाएगा और एक कंट्रोल रूम जो पर्यटन विभाग के स्तर पे होगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पे होगा, वहाँ से डैशबोर्ड के माध्यम से मॉनिटरिंग हम लोग कर पाएंगे कि किस पदाधिकारी के पास में कितनी शिकायतें लंबित हैं, और हम लोग समय समय पे उनको ये एस्केलेट भी कर पाएंगे कि कितना टाइम हो गया है और डिस्पोजल अभी अगर पेंडिंग है। तो इस तरह से कांवड़िया बंधुगण को ध्यान में रखते हुए पूरे रूट पे क्या क्या उनको सुविधाएं दी जानी है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कैसे समाधान होना है, इसका ध्यान इस ऐप में रखा गया। चर्चा कर रहे थे, आप सभी जानते हैं कि हमारी बिहार राज्य के लिए कांवर यात्रा जो है श्रावणी मेला के समय में, सावन के महीने में, पावन महीने में सुल्तानगंज से लाखों श्रद्धालु जल उठाते हैं और 108 किलोमीटर की यात्रा करके वो देवघर में बाबा धाम में जा कर के जल डालते हैं, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन होता है और पर्यटन विभाग के लिए और जिला प्रशासन के लिए और राजस्व भूमि सुधार विभाग, इन सभी के लिए ये एक बहुत ही गौरव का विषय होता है कि हम इसके आयोजन में और श्रद्धालुओं के लिए कुछ व्यवस्था बिहार सरकार की ओर से करते हैं। तो जैसा आप लोगों को विदित होगा कि 2 वर्षों से तो ये कांवड़ यात्रा हो नहीं पाई कोविड के प्रकोप के चलते, अब ये होने जा रही है, तो इस बार माननीय मंत्री महोदय के साथ जब विचार विमर्श हो रहा था तब माननीय मंत्री महोदय को ये विचार हुआ
और हम लोगों ने फिर उसे मूर्त रूप दिया कि एक मोबाइल ऐप बनाया जाए जिसके माध्यम से जितने भी हमारे 25, 30, 40 लाख श्रद्धालु आते हैं वो उस मोबाइल ऐप के माध्यम से, जब वो एक कठिन यात्रा है 4-5 दिन की होती है जिसको वो प्रारंभ करते हैं सुल्तानगंज से बाबा अजगैवीनाथ धाम से जल लेकर के और जाते हैं देवघर धाम में बैद्यनाथ धाम तक, तो उन्हें जगह जगह रास्ते में कौन कौन सी सुविधाएं प्रशासन, सरकार, पर्यटन या राजस्व विभाग या स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कहां कहां उपलब्ध हो रही हैं, ये उनको एक उनके मोबाइल में, आज के समय में तो सबके पास मोबाइल है लगभग और अधिकांश लोगों के पास स्मार्टफोन है, तो एक ऐप बनाने की परिकल्पना हुई जैसा अभी सर बता रहे थे। तो सर के मार्गदर्शन में फिर हम लोगों ने इस ऐप को अमली जामा पहनाने का प्रयास किया है। अब जैसे ही माननीय मंत्री जी इसे लॉन्च करेंगे तो ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगा और इसमें जैसा आप देखेंगे कि वो कहाँ पे उनको आगे रहने की सुविधा मिल सकती है, कहाँ पे आगे रेन शेल्टर है, कहाँ पे आगे कैफेटेरिया है, कहाँ पे आगे पुलिस का नियंत्रण कक्ष है, पुलिस और प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों के और लोकल लेवल के अधिकारियों के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लोकेशंस और क्या अन्य व्यवस्थाएं होने जा रही हैं। जैसे इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिकाधिक दिनों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करें, तो कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम कहाँ पे हो रहा है और खाने पीने की वस्तुएं कहाँ पे उपलब्ध हैं, वो अपनी एक पूरी रूट प्लानिंग उसके माध्यम से कर सकते हैं और सपोर्ट ले सकते हैं। और अगर कोई कठिनाई आए तो उसको इस ऐप के माध्यम से हम तक प्रेषित भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रयास किया गया है और भी वे चूँकि हमारे MD साहब हैं कंवल तनुज जी, जिन्होंने स्वयं अपनी देखरेख में इसको बनवाया, तो मैं उनसे भी आग्रह कहूँगा कि दो शब्द इस बारे में कहें। तभी आपने सुना जो पर्यटन विभाग के मंत्री थे उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी कंवरिया इतनी दूर जाते हैं जल लेकर और उधर से जल लेकर आते हैं तो उनको काफ़ी कठिनाई होती है और उस कठिनाई को लेकर हम लोगों ने श्रावणी मेला ऐप को आज लॉन्च किया है जिससे जो भी कंवरिया होंगे वो जो भी सुविधा लेना चाहते हैं वो तमाम सुविधाएँ उस ऐप से वो ले सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। सुल्तानगढ़ से लेकर और आपका भोलेनाथ कैलाशपति महादेव की जल जहां आपको चढ़ाया जाता है वहां तक की व्यवस्था सुदृढ़ की गई है ताकि किसी प्रकार की किसी कंवरिया को किसी संकट में यदि आ जाता है तो सब ऐप के माध्यम से उसका सहयोग प्रशासनिक स्तर से लेकर हमारे स्तर तक किया जाएगा।